कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के भविष्य पर फैसला लेगी प्रदेश सरकार। अदालत से आए फैसले पर मुख्य सचिव ने 3 फरवरी को बुलाई बैठक। आयुर्वेद शिक्षा सिविल सप्लाई में हुए हैं पॉलिसी के खिलाफ फैसले। शीला देवी जगदीश चंद ताज मोहम्मद लेख राम केस पर होगी चर्चा। हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट और हिमाचल हाई कोर्ट से आए फैसलों को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के भविष्य को लेकर निर्णय ले सकती है। अदालती फैसलों में ये पॉलिसी टिक नहीं पाई है और अनुबंध पर नियुक्ति की पहली तारीख से कर्मचारी को वित्तीय लाभ देने के आदेश अदालतें दे चुकी हैं, इसलिए इन सभी मामलों में आगामी रणनीति तय करने के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 3 फरवरी को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और विधि विभाग के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। अभी तक राज्य सरकार के पास आयुर्वेद विभाग, शिक्षा विभाग और सिविल सप्लाई में ऐसे फैसले आए हैं जिसमें अनुबंध नीति को सरकार डिफेंड नहीं कर पाई है। हिमाचल हाई कोर्ट से फैसला होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी इन पर मोहर लग गई है। इनमें आयुर्वेद से शीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार, शिक्षा से जगदीश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और सिविल सप्लाई से ताज मोहम्मद और लेखराम बनाम हिमाचल सरकार जैसे मामले शामिल हैं। सभी मामलों में अनुबंध नीति के प्रावधानों को निकालते हुए अदालतों ने अनुबंध कर्मचारी और रेगुलर कर्मचारियों के काम की समानता के आधार पर वित्तीय लाभ एक समान देने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों को लागू करने से बचने के लिए भी अब कोई विकल्प नहीं बचा है। शुरू में अनुबंध नीति भी 8 साल की होती थी, इसलिए तब से सीनियोरिटी देने के लिए बहुत सा पैसा भी चाहिए। कोर्ट से आए इन फैसलों को लागू कैसे करना है, इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण होगा कि अनुबंध नीति के भविष्य पर सरकार क्या फैसला लेती है। जब कोर्ट में ये पॉलिसी डिफेंड नहीं हो पाई है तो इसमें बदलाव की क्या संभावना है। पेंशन एरियर पर ब्याज के फैसले को चुनौती। राज्य सचिवालय से बतौर अनुभाग अधिकारी रिटायर हुए एक कर्मचारी ने 2016 से 2022 की पेंशन के एरियर के लिए हाईकोर्ट में केस किया था। फैसला आया था कि पेंशन का एरियर 6% ब्याज के साथ सरकार अदा करे। इस फैसले को अब सचिवालय प्रशासन ने खंडपीठ में चुनौती दी है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने सभी विभागों को इस तरह के मामलों में अपील दायर करने के निर्देश दिए थे।